हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वजीर कानून के इस्तीफे के लबैक का 21 रोज से जारी धरना खत्म। मुजाहिरीन फैजाबाद इंटरचेंज खाली करके घरों को रवाना होने लगे। धरने के बाइस 21 रोज से बंद रास्ते खुल गए। मामूलाते जिंदगी बहाल होने पर आवाम ने सुख का सांस लिया। कारोबार जिंदगी मामूल पे तो जब ही आएगा जब पूरा शहर खुलेगा। मैं रोज का कमाने वाला रिक्शा ड्राइवर हूँ। ये पहले धरना खत्म हो जाता तो अच्छी बात थी। फैजाबाद इंटरचेंज की भी रेंजर्स के पास पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार भी वापस चले गए। इस्लामाबाद से ऐलान के बाद मुल्क भर बैठे मुजाहिरीन ने सड़कें खाली कर दी। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर समेत दीगर शहरों में जिंदगी लौट आई। छोटी बड़ी तमाम मार्केटें खुल गई। सड़कों पर तमाम मेट्रो सर्विस भी बहाल कर दी गई। ये कैसा मुआहिदा है जिसमें धरने वालों ने हुकूमत से हर बात मनवा ली। अरबों रुपए नुकसान करने वालों को मुआफ कर दिया गया। पुलिस फोर्स को बेरहमी से जलील करवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत और तहरीक मुआहिदे पर बरहम। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि फैजाबाद इंटरचेंज खाली करने का हुक्म दिया था, मुआहिदा करने का नहीं। धरने से होने वाले नुकसान का अजाला भी हुकूमत करेगी। ये कहां का कानून है? अगर फौज का हेडक्वार्टर फैजाबाद के करीब होता क्या तब भी मुजाहिरीन इसी जगह पर धरना देते? जस्टिस शौकत सिद्दीकी का समाअत के दौरान सवाल। वजीर दाखला बोले इसका जवाब तो मुजाहिरीन ही दे सकते हैं। जस्टिस शौकत ने इस्तफसार किया कि मुल्की आईन में आर्मी चीफ के सालिस बनने की क्या हैसियत है। ऐसा कब तक होता रहेगा? फौज का ये किरदार नहीं के कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज कराने वालों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। फौज अपने आईनी किरदार के अंदर रहे। धरने के खात्मे के लिए हुकूमत और धरना मुजाहिरीन के दरमियान 6 नुकाती मुआहिदा। जाहिद हामिद के खिलाफ फतवा जारी नहीं होगा। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई, राजा जफरुल हक इंक्वायरी रिपोर्ट 30 दिन में पब्लिक की जाएगी। ऑपरेशन की तहकीकात बोर्ड की तश्कील और जिम्मेदारों का तायुन भी किया जाएगा। तबाह होने वाली तमाम इमलाक का अजाला हुकूमत करेगी। मुआहिदे में आर्मी चीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर। प्राइम मिनिस्टर इज आउट ऑफ द कंट्री। इंटीरियर मिनिस्टर इज आउट ऑफ द सिटी। तो ठेके पे दे दें गवर्नमेंट। इतना बड़ा वाकया और आप पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम मुल्क में और वजीर दाखला शहर में नहीं। हुकूमत ठेके पर दे दें। चेयरमैन सेनेट वजीर मुमलिकत बराए दाखला तलाल चौधरी को झाड़ पिला दी। कहा कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा था। आपके वजीर को मुस्ताफी होना पड़ गया और हुकूमत पार्लियामेंट को कुछ बताने को तैयार नहीं। इस्तीफा हो गई, रेंजर को अख्तियार दिए गए और उसके बाद इस्तीफा दिया गया। मेरे लिए तो बहुत चक्कर की बात है कि डीजी रेंजर्स को अख्तियार देने के बाद नजर ये आता है कि शायद डीजी रेंजर्स ने कोई कहा है कि इस्तीफा मिनिस्टर दे दे। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद को सालिस बनाने पर फिक्रमंद। कहा ऐसा लगा जैसे डीजी रेंजर्स के कहने पर वजीर का इस्तीफा लिया गया।
अगर यही करना था तो बेहतर था कि पार्लियामेंट के जरिए करते। धरने वालों ने आका के नाम का इस्तेहसाल किया, जिस मुंह से आका का नाम लेते हैं इसी से गालियां देते हैं। रसूल की शान में गुस्ताखी है। जस्टिस शौकत अपने ही रिमार्क्स का नोटिस लें। खुर्शीद शाह का हलाकतों पर नोटिस लेने का भी मुतालबा। इस तरह के मामलात से जहां पर मुतनाजे होने का डर हो वहां पर कम अज कम जितने अदारे हैं उन्हें कानून के मुताबिक करना चाहिए। धरना मामला खत्मे नबुवत का नहीं, खत्मे हुकूमत का था। धरने और नवाज शरीफ को निकालने वालों के पीछे एक ही सोच है। वजीर मुमलिकत बराए दाखला बीबीसी को इंटरव्यू, कहा कि यूनिफॉर्म इदारों को गैर मुतनाज़े रहना चाहिए, तनाज़ात पर कानून के मुताबिक किरदार अदा करना चाहिए। अगले साल इलेक्शन नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि 2018 पे जो इलेक्शंस ड्यू हैं, जिस डेट को, उस डेट पे 2018 को इलेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे। मुस्लिम लीग काफ का मुल्क में कौमी हुकूमत के कयाम का मुतालबा। चौधरी शुजात कहते हैं फौज ने नवाज शरीफ का खाना जंगी कराने का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुल्की मफाद में इस्लाहात के बगैर इलेक्शन बेमायने होंगे। लिख कर दे सकता हूँ कि इलेक्शन वक्त पर। तफसीली इंटरव्यू रात 11 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। हुकूमत की पीपल्स पार्टी से राबते की एक और कोशिश। महमूद खान अचकज़ई का टेलीफोन, हुकूमत की तरफ से हलका बंदियों से मुतालिक बिल पर हिमायत की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी और गैर जमहूरी अमल की सपोर्ट पर यकीन नहीं रखती। खुर्शीद शाह का जवाब, मामला जल्द हल कराने की यकीन दहानी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी सऊदी अरब पहुंच गए, आर्मी चीफ भी हमरा मौजूद। रियाद पहुंचने पर गवर्नर फैसल अल सऊद किया। वजीर आजम आला सऊदी क्यादत से मुलाकातें करेंगे। बड़े शहर कराची में जंगल का राज के हुक्म पर दोहरे कत्ल की एक और वारदात। पसंद की शादी करने पर हादी और हुसैना से जीने का हक छीन लिया गया। लड़के के वालिद समेत 9 अफराद गिरफ्तार। निशानदही पर हादी और हसीना दोनों की लाशें बरामद। वजीर आला सिंध की तमाम जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाने की हिदायत। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कयाम उठा दी। वैन को टक्कर से एक ही खानदान के 7 अफराद जान से चले गए। जहां भाग होने वालों में खातून भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बार के सदर की अपील गैर मुअस्सर करार देते हुए खारिज कर दी। बाज वकला अपनी अदालतों को बर्बाद करना चाहते हैं, अदालतों की तजहीक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत के पास हर किसी से निमटने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट की कराची के रफाई प्लॉट्स पर कब्जा खत्म कराने के लिए 2 रोज की मोहलत। शहर में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। क्या कराची शादी हॉल्स के लिए बना था? सफाया ना हुआ तो DGKDA को जेल भेजेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, अदालती अहकामात के बाद KDA हुक्काम का ऑपरेशन। नॉर्थ कराची में रफाई प्लॉट्स पर कायम तजावुजात गिरा दी गई। कराची में नादरा मेगा सेंटर पर FIA का छापा। गैर मुल्कियों को जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर देने के इल्जाम में सुपरवाइजर समेत 7 मुलाजिमीन गिरफ्तार। सेवन में दरगाह पर खुदकुश हमला करने वाले को घर में पनाह दी थी। मुलजिम नादिर का कराची की अदालत में एतराफ। अदालत ने मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। लकी मरवत में मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, जान की बाजी हार गए, एक शदीद जख्मी।
तमाम अफराद अदालत में पेशी के बाद घर वापस। पाकिस्तानी आवाम दयार गैर में गैर महफूज, यूनान में सियाह फॉर्म अफराद का मिलाद नबी के जुलूस पर हमला, कई शुरका जख्मी हो गए, पुलिस की शैलिंग पर हमलावर और रैली के शुरका मुंतशिर। भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी आवाम का एहतजाज जारी, आज भी वादी में मुकम्मल शटर डाउन रहा, फौजी ताकत के बलबूते पर कब्रिस्तान की खामोशी का नाम देना हमाकत है, हदत का बयान। महेंद्र सिंह धोनी की मकबूजा कश्मीर आमद पर नौजवानों के बूम बूम माफी, साबिक भारतीय कप्तान कहते हैं कि पाक भारत सीरीज अब इतना सादा नहीं रहा। ये मामला सियासी, मैं इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लामाबाद धरने से, जो आखिरकार 21 रोज तक जारी रहने के बाद आज खत्म हो गया। हुकूमत ने मुजाहिरीन को ताकत से हटाने की कोशिश की थी, ताहम इसे नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकात हुई। और आपको ये भी बताएं कि इनके दरमियान होने वाली मुलाकात में जो बातचीत हुई उसमें धरने को पुरअम तरीके से हल करने पर इत्तेफाक किया गया, लेकिन ताजा इत्तला आ रही है कि धरने के शुरका अभी तक फैजाबाद। वफाकी वजीर कानून का इस्तीफा और हुकूमत से मुआहदा, धरना खत्म होने का ऐलान हुआ तो आवाम ने सुख की सांस ली। 21 रोज से जारी धरने ने जुड़वां शहरों के लोगों की जिंदगी अचीरन बना रखी थी। हफ्ते को अदालती हुक्म पर हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें हुई, मुतादिद अफराद जख्मी हुए और मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस अहलकार जा बहक हुआ। इनका महासरा जारी रखा, आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकात हुई, मुजाहिरीन से मुजाकरात पर इत्तेफाक किया गया और आखिरकार जाहिद हामिद को घर जाना पड़ा। हुकूमत और मुजाहिरीन में मुआहदा हुआ, जिसके बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने खत्म हो गए हैं, सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा है और आवाम ने मामूलाती जिंदगी बहाल होने पर खुशी का इजहार किया है। फैजाबाद का धरना खत्म होने के बाद मुल्क भर में जारी धरने भी खत्म हो गए। कराची में नुमाइश चौरंगी समेत मुतादिद इलाकों में धरना दिया गया था, लेकिन अब शहर में ट्रैफिक रवां दवा है। पंजाब में फैसलाबाद, मुरीद के और मुल्तान समेत तमाम शहरों से धरने खत्म कर दिए गए और मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। पिशावर के जमील चौक पर धरना इख्तिताम पजीर हो गया। धरने के शुरका ने मुंतशिर होने से कबल यकतूत के मकाम पर यौम तशक्कुर रैली भी निकाली। नज़ीन, हुकूमत और धरना कायदीन के दरमियान होने वाले मुआहदे में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया है कि जाहिद हामिद के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया जाएगा, तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहाई मिलेगी, जबकि राजा जफरुल हक इंक्वायरी रिपोर्ट भी आवाम के सामने लाई जाएगी। हुकूमती एक्शन की तहकीकात के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। धरना में नाकामी के बाद हुकूमत को मुआहदा करना पड़ गया। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान 6 नुकाती मुआहदा तय पाया। मुआहदे में लिखा है कि फौज ने मुआहदा करवाने में मरकजी किया। मुआहदे के नुकात के मुताबिक तहरीक लब्बैक जाहिद हामिद के खिलाफ किसी किस्म का फतवा जारी नहीं करेगी। राजा जफरुल हक की इंक्वायरी रिपोर्ट 30 दिन में मंजर आम पर लाई जाएगी और जिन अफराद को जिम्मेदार करार दिया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
धरने के दौरान मुल्क भर से जितने भी कारकुन गए उन्हें 3 रोज के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। 25 नवंबर को होने वाले हुकूमती एक्शन के खिलाफ तहरीक लब्बैक को एतमाद में लेकर एक इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो तमाम छानबीन करके हुकूमत और इंतजामिया के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का तायुन करेगा। 6 नवंबर से धरने के अख्तिताम तक जिन सरकारी व गैर सरकारी अमलाक का नुकसान हुआ उसका तायुन करके अजाला विफाकी व सूबाई हुकूमत करेगी। मुआहदे पर वजीर दाखला सेक्रेटरी तहरीके लब्बैक के सरबरा खादिम हुसैन रिजवी दीगर रहनुमाओं पीर मोहम्मद अफजल कादरी मोहम्मद वहीद नूर के अलावा फौज के हाजिर सर्विस मेजर जनरल फैज हमीद के दस्तखत हैं। 6 नुकात पर मुश्तमिल इस मुआहदे में यह भी लिखा गया है कि यह तमाम मुआहदा आर्मी चीफ जावेद बाजवा और उनके नुमाइंदे की खुसूसी काविशों के जरिए तय पाया। अब बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने हुकूमत और धरना कायदीन के मुहायदे पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि फैजाबाद इंटरचेंज खाली करने का हुक्म दिया था, मुहायदा करने का नहीं। धरने वालों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धरने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने ऑपरेशन में नाकामी की रिपोर्ट तलब कर ली। दाखला भी पेश हुए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने फैजाबाद इंटरचेंज खाली करने का हुक्म दिया था, वहीं इंतजामिया ने पुलिस को बेरहमी के साथ जलील करवाया। धरने वालों ने हुकूमत से हर बात मनवाई, ये कैसा मुआहदा है? अरबों रुपए का नुकसान करने वालों को माफ कर दिया गया, नुकसान का अजाला भी रियासत करे, ये कहां का कानून है? जस्टिस शौकत अजीज ने रिमार्क्स दिए कि जिन फौसत का शौक है तो वो फौज छोड़ें और सियासत में जाएं, फौजी क्यों खामखा हीरो बने फिरते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि जिस शख्स का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था इसको सालिस क्यों बनाया गया। जस्टिस शौकत अजीज ने कहा कि पाक फौज हमारा फखर है, अफवाज पाकिस्तान के लिए हमारा खून भी हाजिर है। 1965 की जंग में झोली फैलाकर फौज के लिए चंदा जमा किया। जस्टिस शौकत ने कहा कि अनुषा रहमान को बचाने के लिए जाहिद हामिद की कुर्बानी दे रहे हैं, राजा जफरुल हक की रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई? एहसन इकबाल ने कहा बताना जंगी की सूरत हाल थी, मुझे मारने वाले को इनाम देने की भी ऐलानात किए गए थे। जस्टिस शौकत ने राजा जफरुल हक की रिपोर्ट तलब करते हुए मामले पर बैरिस्टर जफरुल्ला की सरबराही में नई कमेटी कायम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शौकत अजीज ने समाअत के दौरान ये सवाल भी उठाया कि मुल्की आईन में आर्मी चीफ के बतौर सालिस बनने की क्या है और रियासत के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा। उन्होंने कहा कि फौज का ये किरदार नहीं कि कानून तोड़ने और कानून नाफिज कराने वालों के दरमियान सालिसी का किरदार। बीबीसी के मुताबिक धरना केस की समाअत के दौरान जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि फैजाबाद के करीब हमजा कैंप के बजाय फौज का हेडक्वार्टर होता तो तब भी मुजाहिरीन इसी जगह पर धरना देते। इस पर एहसन इकबाल का कहना था कि इसका जवाब तो मुजाहिरीन ही दे सकते हैं। जस्टिस सिद्दीकी कि मुल्की आईन में आर्मी चीफ की बतौर सालिस की क्या हैसियत है और रियासत के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा। धरने मुआहदे में आर्मी चीफ और उनके नुमाइंदे का शुक्रिया अदा किया गया। वो मेजर जनरल साहब कौन हैं जिन्होंने आर्मी चीफ के नुमाइंदे की हैसियत से शिरकत की। जस्टिस शौकत ने सेक्टर इंचार्ज से पूछा कि आप तो इंतजामिया का हिस्सा हैं, आप सालिस कैसे बन गए। उनका कहना था कि फौज का ये किरदार नहीं कि कानून तोड़ने वाले नाफिस कराने वालों के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे, फौज अपने आईनी किरदार के अंदर रहे। जस्टिस सिद्दीकी ने अपनी जिंदगी को लाख खतरे का भी जिक्र किया और कहा कि इन सब बातों के बाद मेरी जिंदगी को खतरा है, मार दिया जाऊंगा या गायब कर दिया जाऊंगा। तो धरना खत्म हो चुका है इस वक्त। आज न्यूज के नुमाइंदे अली फुरखान फैजाबाद में मौजूद है, उनसे मुजाहिरीन की रवानगी की इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो अली फुरखान बताइएगा कि ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, तमाम मुजाहिरीन जा चुके हैं या अभी कुछ मौजूद हैं?
जी धरने के शुरका फैजाबाद के मकाम के ऊपर अब भी मौजूद हैं। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि उनके गिरफ्तार कारकुन जो हैं वो 12 घंटे के अंदर रिहा कर दिए जाएंगे। बहुत सारे कारकुन रिहाई के बाद यहाँ फैजाबाद पहुँच चुके हैं धरने के अपने दीगर साथियों के साथ, लेकिन अभी भी धरने की क्यादत का ये कहना है कि कुछ उनके गिरफ्तार कारकुन अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। जब ये तमाम कारकुन वापस आ जाएंगे जो गिरफ्तार हुए थे, तो उसके बाद यहाँ से ये कारवां की सूरत में रवाना होंगे। धरने की क्यादत ने इस चीज़ का ऐलान कर रखा है। यहाँ पे फैजाबाद में जो इंटरचेंज है उसके ऊपर धरने के मुजाहिरीन बैठे हुए हैं, लेकिन उससे मुल्हिका तमाम जो सड़कें हैं वो खुली हुई हैं, वहाँ पे जो है ट्रैफिक बहाल हो चुकी है। फैजाबाद भी जो धरने के हवाले से जो दुकानें और होटल बंद किए गए थे वो भी खुल गए हैं। ये चूंकि बस स्टैंड है, यहाँ से दीगर शहरों को जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यहाँ से मिलती है, तो उन टर्मिनल्स के ऊपर भी जो है वो बसें और गाड़ियाँ जो है वो दस्तियाब हैं दीगर शहरों को जाने के लिए। तो लोग मुसाफिर में हैं, तो मामूलात ज़िंदगी जो है वो चल पड़े हैं, लेकिन धरने के लोग अभी मौजूद हैं और वो यहाँ से जब रवाना होंगे तो उसके बाद ही इंटरचेंज जो है उसको खोला जा सकेगा। जी मौजूद है, उनकी रवानगी के बाद ही फैजाबाद इंटरचेंज को पूरी तरह से खोला जा सकेगा। इस्लामाबाद की सूरत हाल तो आपने जान ली, रुख कर लेते हैं हम लाहौर का। वहां भी तलात यही है कि मॉल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने अभी तक धरना जारी है। ऐसा क्यों है, धरना मुजाहिरीन क्यों रवाना नहीं हुए हैं, हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद से। अदनान खालिद बताइएगा जी, फैजाबाद धरने के अख्ताम होने के ऐलान के बाद पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मजहबी जमात के कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और एहतजाजी धरने दिए गए हुए थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं। लाहौर में भी तकरीबन तमाम मकामात पर जो है एहतजाजी धरने और एहतजाजी मुजाहरे जिन मकामात पर दिए गए थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं, जबकि सिर्फ जहाँ पर एहतजाजी धरना 3 दिन से जारी है वो है चेरिंग क्रॉस पंजाब असम्बली। यहाँ अभी भी मजहबी जमात के कारकुनान जो हैं वो धरना दिए हुए हैं और इनका कहना यही है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते तब तक ये यहाँ पर एहतजाजी धरना दिए रखेंगे। जबकि बात की जाए अगर ट्रैफिक की, तो अब ट्रैफिक की सूरत हाल पूरे शहर में काफ़ी बेहतर हो चुकी है, सिवाय पे जहाँ पर इस वक्त ये एहतजाजी धरना जारी है। लाहौर शहर में आज पूरा दिन मार्केटें भी बंद रहीं, इसके अलावा बच्चों के स्कूल भी बंद रहे और कल भी पंजाब हुकूमत की जानिब से मंगल के रोज़ भी बच्चों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। अब हाल ये है कि यहाँ पर एहतजाजी धरना जो है मजहबी जमात के कारकुनों की जानिब से जारी है और वो अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर अभी भी धरना दिए हुए हैं। जी ये तो थी धरने की सूरत हाल, लेकिन दूसरी तरफ ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि डीजी रेंजर्स को ऑपरेशन के अख्तियारात देने पर उन्हें हैरत हुई। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद धरने वालों का रवैया हैरत का बाइस है, हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। आज मिनिस्टर की इस्तीफा हो गई, ये बात तो पहले ही थी, डीजी रेंजर को अख्तियारात दिए गए और उसके बाद इस्तीफा दिया गया। मेरे लिए तो बात है कि डीजी रेंजर्स को अख्तियारात देने के बाद नजर ही आता है कि शायद डीजी रेंजर्स ने कोई कहा है कि इस्तीफा मिनिस्टर दे। यही चीज अगर पार्लियामेंट, मैं समझता हूं कि ये बेहतर होती, दीन के नाम पे सियासत की जा रही है जो बड़ी खतरनाक है। उस नाम, मेरे आका के नाम को एक्सप्लाइट किया गया, उसी नाम से मुंह से गालियां निकलती थी, उसी नाम से मेरे आका का नाम लिया जाता था, जिसमें मैं बड़ा दुखी हूँ। हर शऊर मुसलमान दुखी है कि ये क्या हो रहा था, क्यों हो रहा है और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गुस्ताखी रसूल है, मैं समझता हूँ। जो रिमार्क्स जज साहब ने दिए हैं उस पर उनको स्लो मोटो लेना चाहिए, और जिन लोगों ने जो जाने जाया हुई है, क्यों हुई है, किस वजह से, उनमें हाईकोर्ट मोटो ले और इन्वेस्टिगेशन करवाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, किसी कौमी हुकूमत की हिमायत हम नहीं करें। उधर वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि धरना मामला खत्म नबूवत का नहीं, खत्म हुकूमत का था। धरने और नवाबने वालों के पीछे एक ही सोच कार फरमा है। ये बातें उन्होंने आज न्यूज पर नशर होने वाले BBC के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान कही। ये मामला ख़त्म नबूवत का नहीं था, ये कोई ख़त्म हुकूमत का मामला लग रहा था। पनामा की बात करें, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके ख्याल में ये दोनों मामलात के पीछे एक ही लोग हैं? वही सोच इसके पीछे है, ऐसी क्यादत वो चाहते हैं जो कि लीडर ना। अफवाज तो हमारा एक बहुत बड़ा अदारा है,
सो सियासी मामलात से, इस तरह के मामलात से जहां पर मुतनाज़े होने का डर हो, वहां पर कम से कम जितने अदारे हैं उन्हें कानून के मुताबिक अपना रोल प्ले करना चाहिए। कानून से हटकर जब रोल प्ले किया जाता है तो वो फिर मुतनाज़े होने का खदशा मौजूद है। जब यही तलाल चौधरी सेनेट में पहुंचे तो उन्हें खास सुबकी का सामना करना पड़ा। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने वजीर मुमलिकत बराए दाखला तलाल चौधरी को झाड़ पिला दी। रज़ा रब्बानी ने कहा कि वजीर आजम मुल्क में नहीं है और वजीर दाखला शहर में नहीं है, ऐसा करें हुकूमत दे दें। दो दिन से मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा था, मामला इतना बिगड़ गया कि हुकूमती वजीर को मुस्ताफी होना पड़ा, लेकिन हुकूमत पार्लियामेंट को कुछ बताने में संजीदा नहीं है। Where is the Prime Minister? Prime Minister mulk se bahar. Prime Minister is out of the country. Interior Minister is out of the city. To theke pe de dein government. Itna kya hua hai aur aap parliament ko confidence mein lene ke liye taiyar nahi? Itna bada masla hai ki aapke law minister ko resign karna pada. Is jadda more important or the happenings in this country more important? Country was on the brink of civil war for two days. Come back. बड़ी खबर है हमारे पास राजा जफरुल्लाह कमेटी की रिपोर्ट से मुतालिक, जिसकी कॉपी आज न्यूज ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में उस शख्सियत का नाम बता दिया गया है जो मुतनाज़े मवाक़ के हवाले से निशानदही करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कानून और इंसाफ की स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी, लेकिन इनमें कोई भी हल्फनामे से मुतालिक नहीं थी। अब रुख करेंगे कराची के थाना मोमिनाबाद की हदूद का, जहां पसंद की शादी करने वाले जोड़े को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मक्तूलीन आपस में रिश्तेदार थे और उन्होंने पसंद की शादी की थी। आबाई ताल्लुक कोहिस्तान से है। के सबसे बड़े शहर में अंधेर नगरी और चौपट राज, कराची के थाना मोमिनाबाद के इलाके में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का लर्जा खेज कत्ल। लड़के और लड़की को रिश्तेदारों ने कत्ल करके लाशों को दफना भी दिया। वारदात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब मालिक मकान किराया लेने पहुंचा तो मकान में कोई नहीं था और खून पड़ा था। इस इत्तला के बाद पुलिस मुतहरिक हुई और 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मकतूल लड़के के वालिद और चचा समेत दीगर रिश्तेदार शामिल हैं। SHO मोमिनाबाद के मुताबिक मुलजमान से तफ्तीश में पता चला है कि दोनों को जिरगे के फैसले पर कत्ल किया गया। रिश्तेदारों को लेके आया तीन को यहाँ पे, मैं तफ्तीश की तो उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले जो है लड़की को रात को कत्ल कर दिया था, ये जिरगे में फैसला हुआ था। तहाम इलाके के SP आबिद बलोच के मुताबिक वाकया जिरगे का फैसला नहीं, दोनों घरानों की रजामंदी मालूम होता है। जिरगे वाली बात करना कबलस वक्त है कि आया कि कोई जिरगा बैठा था, जिरगे ने फैसला किया है। अभी तक जो मुझे यहाँ पर बातें समझ में आ रही हैं वो ये हैं कि दोनों जो फैमिलीज हैं वो कोई कल्चरली उनका कोई ऐसा सिलसिला है कि उन्होंने खुद बैठ कर डिसाइड किया होगा लड़के वालों के जी इनको मर्डर करना है। गिरफ्तार मुलजिम और लड़के के चचा के मुताबिक लड़की के वालिद और दीगर ने जोड़े को कत्ल किया। कत्ल करके हमें बंदा भेजा कि भाई तुम्हारा बेटा जो है मेरी बेटी के साथ था, दोनों को हमने मार दिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर बल्दिया कायम खान कब्रिस्तान से मक्तूलीन की लाशें निकाल कर अब्बासी अस्पताल मुंतकिल की। लाशों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके मुताबिक मकतूल जोड़े को रस्सी से गला घोंट कर कत्ल किया गया, जबकि मकतूल हादी के सर पर तेज धार आले से वार करके जख्मी करने का भी निशान था। वजीर आला सिंध ने भी मामले का नोटिस लिया है और IG से रिपोर्ट ली है। खबरें और भी है लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।